मेरा भी दिल करता है नए शूज पहनूं, अपने बच्चों को भी लेके दूं, अपनी बीवी को भी शॉपिंग करवाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खाना पूरा करूं, मैं घर का निजाम कैसे चलाऊं? मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं बच्चों के लिए खिलौने लेके जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरा इस वक्त जलेबी खाने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? पैसे ही नहीं है। बच्चों के लिए भी लेके जाने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं? पैसे ही नहीं है। घर में मेरी बीवी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर आएगा, झाड़ू लेके आएगा, वाइपर लेके आएगा, ब्रश लेके आएगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे ही नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो जमहूरियत का तोहफा हमें रियासत दे रही है, वो हर साल टैक्सेस पे टैक्सेस तो लगा रही है, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर लायमल तैयार नहीं कर रही कि एक दिहाड़ीदार जो मजदूर है वो अच्छे से ज़िंदगी अपनी गुजार सके। आज जो मजदूर की दिहाड़ी है वो 1500 रुपया है, और हमारे हाथ में इस वक्त 1500 रुपया है। हम मार्केट में जाएंगे, देखेंगे कि एक मजदूर 1500 के अंदर दिन में क्या क्या खरीद सकता है और कैसे अपना गुजारा कर रहा है इतनी महंगाई के अंदर। जी, तो इस टाइम मैं एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ, और यहाँ से हम टमाटर भी खरीदेंगे, प्याज भी खरीदेंगे, थूम, मतलब जो जो सब्ज़ी पकाते हुए चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो चीज़ें हम खरीदेंगे। हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि भाई आजकल क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? टमाटर के रेट हैं वो क्या चल रहा है? टमाटर किस तरह किलो मिल? टमाटर इस टाइम चाह रहे हैं 280 रुपये किलो चल रहे हैं, 250 बिक जाते हैं बस। ये अभी 2-3 दिन में टमाटर तेज़ हो गया। अभी प्याज किस तरह किलो है? प्याज 120। और जो थूम अदरक है वो किस तरह किलो है? अदरक है 600 रुपये किलो, और जो थूम है वो 500 रुपये किलो है। 280 रुपये टमाटर किलो हैं और प्याज 120 रुपये किलो है। भाई ये बताइएगा कितने पैसे हो गए? 600 बन जाते हैं। 600 रुपये की सब्जी, सिर्फ टमाटर, प्याज, थूम, अदरक लेके मेरे इतने पैसे बन गए हैं। तो अभी हम देखते हैं मार्केट में कि 900 का, अब जो हमने अशियाए ज़रूरियात हैं जो डेली रूटीन वर्क में हमें ज़रूरत पड़ती हैं, उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, अभी टोटल कितना हो गया? इसका जो आप लमसम बना लें, इसके अंदर से आप ये 300 की चीनी, 900 की चीनी, 450 की चीनी है, 370 का दूध हो गया, 420 का घी है, और 300 रुपये किलो चावल है, और थोड़ी सी मिर्चें हैं, और 10 किलो आटा डालेंगे तो 3000 समथिंग का बिल बनेगा। बस हमारे पास बचे थे सिर्फ 900 रुपये, और हमने सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, तो 3000 बिल इनका बन गया है। अभी क्या सिचुएशन है महंगाई की? महंगाई की सिचुएशन बहुत ज़्यादा, ये कल इसकी प्राइस 270 थी, आज इसकी प्राइस 370 है। एक दिन के अंदर ये परसों मैंने बेचा 370 का, आज इसकी प्राइस 420 है। तो भाई ये सिचुएशन है इस वक्त महंगाई की कि एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी 1500 रुपये उजरत है, वो सब्जी ले, रोटी ले, दवाइयाँ ले, फ्रूट तो उसके बस से ही बाहर है, वो ले ही नहीं सकता। अगर 1 किलो सेब या केले ले लेता है दर्जन, तो 1000 उसका तकरीबन वहीं पे तकरीबन उसका हो जाएगा पूरा। तो ये जमहूरियत का तोहफा है। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कुर्सी है तुम्हारा या जनाजा है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।